प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन इस पाठ के छोटे क्वेश्चन दे रहे हैं। अपन पढ़ने जा रहे थे साहित्य भैया। अभी तक जितनी भी साहित्य भैया थी साहित्य पढ़ी है, इसका पुनः एक बार मैं आपकी पाठ के बारे में सारा समझाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट आप देखिए, एक छोटा व्यापारी होता है, वो अपने रोज नाम जिसे जर्नल से सारा काम चला देता है। जो ही जो व्यापार का विस्तार होता है, व्यवसायिक संस्थान का रूप बड़ा हो जाता है, उसमें विशिष्टीकरण के उद्देश्य से अलग अलग व्यवहारों की प्रकृति नेचर के अनुसार है अलग अलग साज भी रखी जाती है। अर्थात एक रोज चुनावचे का उप विभाजन किया जाता है सब डिविजन, और उसकी जगह अनेक भैया रखी जाती है, उसको आप कहते हैं साज भैया। इसके अंदर आपने पढ़ी थी फर्स्ट कैश बुक। कैश बुक तीन प्रकार की होती है, सिंपल कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक एंड इक्विटी कैश बुक। सिंपल कैश बुक के अंदर आपने देखा क्या, केवल रोक लेन देनों को देखा। नंबर दो, टू कॉलम कैश बुक के अंदर रोकड़ और बैंक संबंधी लेन देनों को दर्ज किया आपने। तीसरा आपने पढ़ा पेटी कैश बुक, लघु रोकड़ बैंक। इसके अंतर्गत इंटरेस्ट सिस्टम अग्रदाय पद्धति के आधार पर हेड केसी से कुछ राशि लघु रोकड़ी को एडवांस प्राप्त होती है, और वो लघु रोकड़ी छोटे छोटे खर्चों का भुगतान करता है, और माह के अंत जो खर्चा हुआ है उतना पैसा अगले माह की प्रथम तारीख को फिर एडवांस प्राप्त हो जाता है, प्रक्रिया चलती रहती है। फिर पढ़ा आपने परचेज बुक कैर बैंक, अर्थात ऐसी बैंक जिसमें उधार खरीदे गए माल के लेन देन को दर्ज किया जाता है। फिर पढ़ा आपने सेल्स बुक, ऐसी बैंक जिस बैंक में उधार बेचे गए माल के लेन देन दर्ज किए जाते हैं। फिर आपने पढ़ा था कर वापसी बैंक, जो माल हमने परचेज उधार किया है उस उधार खरीदे गए माल से किसी कारणवश माल को रिटर्न कर रहे हैं, उसके लिए आपने कर वापसी बैंक किया है। ठीक उसी प्रकार से कई ऐसे क्लाइंट ग्राहक लेनदार होते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है, उनसे किसी कारणवश माल की वापसी होती है, उनका लेखा आपने किया था सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। अब उसके बाद में एक जो छठी आपकी जो सर्वे है, ऐसी बैंक जिस बैंक में उन लेन देनों को दर्ज किया जाता है जिसमें अन्य किसी बैंक में लेखे दर्ज नहीं होते, सॉरी उसको आप कहते हैं मुख्य जर्नल, जर्नल प्रॉब्लम। और इसमें बहुत सारे लेन देन आपने पढ़े कर मैंने करवाया, इससे पहले वीडियो में आपको समझाया था कि जर्नल प्रॉपर के अंदर वे लेन देन आते हैं जो अन्य किसी बैंक में दर्ज नहीं होते, जिसमें ओपनिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्रीज है, एडजस्टमेंट एंट्रीज है, ट्रांसफर एंट्रीज है, रेक्टिफिकेशन एरर्स, असिग्नेशन सुधार की एंट्रियाँ हैं, अन्य प्रश्न है। कहने का आशय है जर्नल प्रॉपर के अंदर वो लेन देन दर्ज किए जाते हैं जो अन्य किसी बैंक में दर्ज नहीं होते हैं। इस तरीके से इसकी खतौनी भी आपने पढ़ी थी, जैसे परचेज बुक पढ़ी आपने, तो परचेज बुक को बंद करते हैं परचेज अकाउंट डी आर सी, सेल्स बुक को बंद करते हैं सेल्स अकाउंट सी आर सी, परचेज रिटर्न बुक को बंद करते हैं परचेज अकाउंट सी आर सी, और सेल्स रिटर्न बुक को बंद करते हैं सेल्स अकाउंट डी आर सी। अब अपन प्रारंभ करते हैं छोटे जो क्वेश्चन है, अच्छे से इसको पढ़े और याद करें। पहला जो क्वेश्चन आपका है, छोटे व्यापारी द्वारा किस प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लेन देनों को रेखांकन किया जाता है, जर्नल या रोज नामचा, इसको आप कहते हैं जर्नल रोज नामचा। सेकंड क्वेश्चन है, बड़े व्यापारी या व्यवसायिक उपक्रम द्वारा रोज नामचे का उपविभाजन सब डिविजन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सहायक भैया। जो बड़ा व्यापार होता है सहायक भैया, एक छोटा व्यापारी जड़ से काम करता है, और फिर आपका स्पेशल प्रकृति के हिसाब से विभिन्न प्रकार के लेन देनों को संबंधित भैया में दर्ज किया जाता है, उसको आप कहते हैं साई भैया। ये सभी आपने सुना है, कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, जर्नल पेपर आदि। क्वेश्चन तीन, साई भैया का नाम बताइए। नंबर एक कैश बुक तीन प्रकार के पड़े। नंबर दो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, फिर आप लेसन के तरफ पढ़िए जर्नल प्रॉपर, मुख्य जर्नल प्रॉपर। अगला क्वेश्चन है, कैश बुक कितने प्रकार की होती है, नाम बताइए। तीन टाइप्स ऑफ कैश बुक। नंबर एक सिंपल कैश बुक, नंबर दो टू कॉलम कैश बुक, फिर आपने तीसरा पढ़ा था पेटी कैश बुक, लघु रोकड़ बही,
बेटी एस बुक, तीन नाम की कैसे है। क्वेश्चन 5, उधार खरीदे के माल में लेन देन किस साल में दर्ज किए जाते हैं, याद रखें। उधार खरीदे के माल में जो गुड्स और अच्छी गुड्स लास्ट होता है उस वस्तु को जिसका विनिमय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जिसके खरीदने को उद्देश्य बोलो बेचना हो आपके गुड्स है, इसका उत्तर होगा तेरे बही। जब उधार माल परचेज करते हैं उसका लेखा करते हैं परचेज बुक में, तेरे बही। क्वेश्चन 6, किसी संपत्ति को उधार करने पर उसका लेखांकन किस साल में किया जाता है, ऐसे साल उधार परचेज करने जा रहे हैं, जर्नल प्रॉपर, इसका आंसर होगा जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर मुख्य जर्नल। क्वेश्चन 7, वित्तीय बही में किस प्रकृति के लेन देन दर्ज करते हैं, उधार बेचे गए माल संबंधी लेन देन, जो हमने उधार माल बेचा है संबंधी लेन देन, उधार माल बेचते हैं उसका लेखा करेंगे विक्रय बही में, विक्रय बही में। क्वेश्चन 8, डेबिट नोट कौन बेचता है, क्रेता, जब माल रिटर्न किया जाता है विक्रेता को उसमें हमेशा क्रेता परचेज रिटर्न बुक को दर्ज करेगा और डेबिट नोट हमेशा क्रेता द्वारा विक्रेता को भेजा जाएगा। क्रेडिट नोट जवाब चिट्ठी कौन बेचता है, विक्रेता, बेचने वाला विक्रेता, जो सेलर है जिसको लेनदार जिसको माल बेचा है वो उस ग्राहक को बेचता सूचित करता है कि आपको कितनी राशि से क्रेडिट करके जमा कर दिया, तो क्रेडिट बेचता है विक्रेता। क्वेश्चन 10, रोकड़ में बैंक संबंधी लेन देन को किस महीने किस रोकड़ में दर्ज किया जाता है, टू कॉलम कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक जिसमें अमाउंट दो कॉलम कैश और बैंक। क्वेश्चन 11 इंपॉर्टेंट आपका, अग्रदाय पद्धति का उपयोग कौन सी रोकड़ बही में किया जाता है, पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक या इसको बोलते हैं लघु रोकड़ बही, लघु रोकड़ बही जिसमें छोटे छोटे खर्चों का लेखांकन किया जाता है लघु रोकड़ के द्वारा, अग्रदाय पद्धति का आधार। कर बही, विक्रय बही, कर वापसी बही, विक्रय वापसी बही को बंद करते समय क्या लिखा जाता है, फिर आपका है कर वापसी को बंद करते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट सीआर। उसके बाद में नंबर 4 आपका है सेल्स रिटर्न बुक को बंद करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर। इस तरीके से हमने 4 बजे बंद किया, 25 बुक को बंद करेंगे अकाउंट डीआर से, सेल्स बुक को बंद करेंगे सेल्स अकाउंट सीआर से, परचेज रिटर्न बुक को बंद करेंगे परचेज अकाउंट सीआर से, और सेल्स रिटर्न बुक को बंद करेंगे सेल्स अकाउंट सीआर, सॉरी डीआर से। अब उसके बाद में आपको अगला प्रश्न पूछा है प्रतिरूप और से कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रा एंट्री। ये दो उदाहरण याद रखें, ऐसे लेन देन जिसमें कैश और बैंक एक डेबिट पे क्रेडिट पर आना चाहिए, इसके वो ये दो आपको बता रहे हैं उदाहरण। बैंक में नकद राशि, बैंक में नकद राशि जमा करना ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, और एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, बैंक डेबिट और कैश तैयार हो रहा है। नंबर 2, बैंक से राशि निकालना, बैंक से राशि निकालना, विड्रॉ करना, पैसा निकालना बैंक से, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डीआर टू बैंक, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक, ये आपकी दोनों कॉन्ट्रा एंट्री है, इसमें कैश बैंक आएगा डेबिट होगा क्रेडिट होगा, और इसी खबरी कैश पे एंट्री हो जाती है। क्वेश्चन 14, वापसी बही में दर्ज करने वाले व्यवहारों की प्रस्तुतियों के उदाहरण, इसका ही आश्चर्य है कि परचेज बुक को या सेल्स रिटर्न बुक को उस पर कौन कौन सी कंडीशंस के लेन देनों को दर्ज करेंगे। इसमें आप कह सकते हैं माल का घटिया होना,
घटिया मार को पाया माना किसका, घटिया मार, मार घटिया होना। नंबर दो, माल का मार्ग में क्षति किस होना, क्षति किस अवस्था में हमको माल पहुंचाया, डैमेज गुड्स आया, क्षति किस होना। नंबर तीन, माल नमूने के अनुसार न होना, जो सैंपल हमने जो उसको बताया था उसके अनुसार माल नहीं आया, माल नमूने के अनुसार, नमूने के अनुसार न होना। नंबर चार, माल आदेशानुसार न होना, आदेशानुसार माल की आपूर्ति न होना, माल की प्राप्ति या आपूर्ति न होना। ये कुछ स्थितियां हैं जिसके अंतर्गत आपको परचेज बुक और सेल्स बुक के अंदर आप देखा करते हैं। मुख्य जर्नल में किए जाने वाले व्यवहारों को मैं इसको थ्री टाइम्स आपको बता रहा हूँ, कल भी आपको समझा था, इससे पहले भी समझा था, बहुत बड़े क्वेश्चन है। इसके अंदर एंट्री होती है प्रारंभिक प्रविष्टि, प्रारंभिक प्रविष्टि। नंबर दो, अंतिम प्रविष्टियाँ, ओपनिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्री, अंतिम प्रविष्टियाँ ऑपिंग एंट्री होती है, ये क्वेश्चन अधिक होती है। नंबर तीन, अस्थितियों का सुधार, अगला पार्ट जो है उसको आपको समझाऊंगा, अस्थितियों का सुधार। नंबर चार, समायोजन प्रविष्टियाँ, एडजस्टमेंट एंट्रीज, समायोजन प्रविष्टियाँ श्री रामा ने याद करने के लिए करना होता है का। और नंबर पाँच, हस्तांतरण प्रविष्टियाँ, हस्तांतरण प्रविष्टियाँ जिसे आप ड्रॉइंग्स को करने को ट्रांस करते हैं आदि। नंबर छः, बहुत सारे जो अन्य रहते हैं ये अन्य प्रविष्टियाँ, अन्य प्रविष्टियाँ बहुत सारी ऐसी होती हैं जैसे बी आर का जिसमें होना है। अब इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चन है। देव बट्टा डिस्काउंट अलाउ और पाक बट्टा डिस्काउंट शिवल का लेखांकन किस साध्य में कर रहा है, प्रविष्टियाँ दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जब किसी देनदार से राशि प्राप्त होती है ग्राहक से, हम उसको डिस्काउंट देते हैं जो हमारे हानि है, उसके लेखा करेंगे जर्नल पावर के अंदर, और एंट्री होगी डिस्काउंट जिस नंबर ये देनदारों को बट्टा दिया, देनदार बट्टा अपन तब देंगे जब हमको राशि शीघ्र प्राप्त होगी, तब एंट्री करेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू डेटर्स, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू डेटर्स से आपकी जर्नल प्रॉफिट में होगी। और उसके बाद में नंबर दो, लेनदारों से बट्टा प्राप्त होना, बट्टा प्राप्त होना। याद रखें, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं समय पर तो हमको बट्टा प्राप्त होगा, लाभ होगा। एंड आप करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट दिया टू डिस्काउंट रिसीवर, एट टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट। अब इन दोनों के एंट्री आपने किसमें की है, जर्नल प्रॉपर में, जर्नल प्रॉपर में मुख्य जर्नल के अंदर इन दोनों व्यवहारों का रेखा होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रय विधि के योग की खतौनी किस खाते में की जाती है, क्या लिखा जाता है। याद रखें, क्रय विधि का योग जो लगता है आपने पढ़ा, परचेज बुक को बंद करते हैं परचेज अकाउंट डी आर से, तो यहाँ पे अकाउंट खोलता हूँ क्रय विधि के लिए खाता खोला जाएगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट के डी आर में लिखा जाएगा टू सन्ड्रीज, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। इसका होता है करे वही के अनुसार जितना उधार मार मिला है उसका अमाउंट आएगा, अरे आपका राशि जाएगी। उसी प्रकार से करे का आश्रय करे वही के योग को खत्म नहीं करके परचेज अकाउंट में लिखा जाएगा टू संडीज एज पर परचेज बुक, यानी करे वही के अनुसार इतना माल उधार में खरीदा। विक्रय वही के योग की खतरे किस खाते में करेंगे और क्या लिखा जाएगा, ये सेम क्वेश्चन है सेल्स बुक के संदर्भ में। अकाउंट खोला जाएगा सेल्स अकाउंट में होगा, सेल्स अकाउंट के अंदर खत्म आप करेंगे, लिखा जाएगा आपका सी आर सेल के अंदर बीडीआर से उसकी पर इस आर से बाई सन्ड्रीज, बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, और यह आपका आएगा अमाउंट। इसका आशय है विक्रय वही के अनुसार कुल हमने इतना उधार माल खरीदा है मार्क के अंदर। प्रारंभिक प्रविष्टि
कब की जाती है, किसकी सहायता से, प्रश्न तीन प्रश्न इसमें छुपी है, काफी बढ़िया प्रश्न है। तो फर्स्ट आपकी ओपनिंग एंट्री कब की जाती है, वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के प्रारंभ में ओपनिंग एंट्री की जाती है, ओपनिंग एंट्री की जाती है। सेकंड क्वेश्चन इस पार्ट क्वेश्चन के पार्ट जो दे रखा है, किसकी सहायता से, प्रारंभिक चिट्ठे की सहायता से, प्रारंभिक बैलेंस बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, प्रारंभिक चिट्ठे या स्थिति विवरण, स्थिति विवरण जिसमें एसएस लागू से कट होती है, इस सहायता से, की सहायता से। तीसरा आपका टुकड़ा है ओपनिंग एंट्री होती कैसे, एसएस को डियर करते हैं, दायित्व बंधु को शेयर करते हैं, एंट्री बनेगी एसएस अकाउंट डियर, ये ओपनिंग एंट्री का तरीका बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन रहेंगे अभी पढ़ में आएगा। टू सन्डी लाइब्रेटीज, टू लाइब्रेटीज और टू कैपिटल, ये आपकी ओपनिंग एंट्री का तरीका है। एसएस को डियर करते हैं, दायित्व को शेयर करते हैं और पूंजी को शेयर करते हैं। सहायक सामाजिक प्रश्नों के लिए उदाहरण दीजिए, एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। नंबर एक बकाया व्यय, बकाया व्यय इसकी एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, जो भी खर्चा नाम आएगा उसका एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, टू आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टू आउट स्टैंडिंग ये पार्ट आएगा फंड अकाउंट एडजस्टमेंट, उसमें आपको समझाएंगे। नंबर दो आप कह सकते हैं पूर्णत व्यय, अग्रिम चुकाई की व्यय कर सकते हैं आप, एडवांस चुकाया, इसके एंड करेंगे प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डी आर टू टू एक्सपेंसेस, टू एक्सपेंसेस। उसके बाद में नंबर तीन आप दे सकते हैं मशीनरी पर मूल्यह्रास, मशीनरी पर मूल्यह्रास चैप्टर आएगा आपका, इसका आश्चर्य होता है स्थायी जो संपत्ति होती है उसका प्रयोग करते हैं उसका मूल्य निरंतर घटता है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और एंड आप इससे क्या संपत्ति मूल्य घटेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट या डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू एसएस, जो भी एसएस का नाम फिक्स एसएस होती है हमेशा, टू एसएस जो सॉरी मशीनरी है या टू मशीनरी, टू मशीन स्थायी संपत्तियों का प्रयोग करने की वजह से इसके मूल्य में जो कमी आती है उसको बोलते हैं मूल्यह्रास, यानी है और संपत्ति मूल्य घट गया, ये आपकी कुछ एडिशनल एंट्री की संपत्ति में। फिर लास्ट लास्ट का क्वेश्चन है हस्तांतर को ट्रांसफर एंट्री का उदाहरण दीजिए, जैसे ड्रॉइंग्स को आप ट्रांसफर करते हैं अकाउंट में, जैसे आहरण को पूंजी खाते में स्थानांतरित करने पर, ये ट्रांसफर एंट्री है इस तरह से करने पर। अब यहां एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट डीआर, ड्राइंग से हमेशा पूंजी बढ़ती है, कैपिटल अकाउंट डीआर टू ड्राइंग्स, ड्राइंग से अकाउंट बंद हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा पूंजी में और पूंजी भर जाएगी। इस तरीके से अपने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट है अगले वीडियो में नया पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।